फेथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का, फ्लोरल होल्स का क्या चेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले कैलिक्स, कैलिक्स नॉर्मली डीजेनरेट्स, परसिस्टेंट इन सम, नॉर्मली कैलिक्स डीजेनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन कुछ फ्रूट्स में कैलिक्स प्रेजेंट होती है। सच कैलिक्स आर नोन एज परसिस्टेंट कैलिक्स। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका ब्रिंजल। ब्रिंजल में इस तरह का स्ट्रक्चर सबने देखा होगा, दिस इज ब्रिंजल, दिस स्ट्रक्चर इज कैलिक्स। जब कैलिक्स फ्रूट में भी सर्वाइव करता है तब उसे परसिस्टेंट कैलिक्स कहा जाता है। तो कैलिक्स नॉर्मली डीजेनरेट सर्वाइव्स इन सम फ्रूट्स, मेनली सोलानेसी फैमिली के मेंबर्स में ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद कोरोला डीजेनरेट्स, देन स्टेमिन, स्टेमिन आफ्टर लिबरेटिंग द पोलन ग्रेन बिकम्स फंक्शनलेस, सो स्टेमिन ऑल्सो डीजेनरेट्स। Then stigma falls off, stigma ka function bhi khatam, it also falls off, style falls off but survives in some, but present in some like clematis, क्लेमेटिस में परसिस्टेंट स्टाइल होती है। नार्वेलिया, नार्वेलिया में भी परसिस्टेंट स्टाइल आकर करती है। देन कम्स ओवरी, ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, इट फॉर्म्स फ्रूट, फ्लावर की ओवरी डेवलप होकर फ्रूट फॉर्म करती है। देन ओवरी वॉल, फॉर्म्स फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल दैट इज नोन एज पेरिकार्प। ओवरी वॉल फॉर्म्स फ्रूट वॉल, दैट फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकार्प, दैट इज फॉर्म्ड बाय ओवरी। देन ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओव्यूल, ओव्यू ऑल्सो फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज सीड। ओवरी डेवलप्स टू फॉर्म द सीड, ओव्यूल डेवलप्स टू फॉर्म द सीड। ओव्यूल्स के कॉम्पोनेंट्स का क्या होता है? ओव्यूल का पहला आउटरमोस्ट कॉम्पोनेंट इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट फॉर्म सीड कोट। सीड कोट में दो लेयर होती है, टेस्टा विच इज फॉर्म बाय आउटर इंटेग्यूमेंट and tegmen which is formed by inner integument. So integument forms seed coat, that is testa and tegmen. Integument ke baad nucellus, nucellus is completely consumed, it degenerates but survives in some seeds as perisperm. Nucellus normally degenerates but it survives in some seeds. Nucellus ka function hota hai developing embryo sac ko nutrition provide karna. So jaise jaise ovule mature hota hai, embryo sac formation hota hai, Nucellus is completely consumed as it supplies nutrition to developing embryo sac. लेकिन कुछ seeds में nucellus बच जाता है, nucellus is not completely consumed. Such persistent nucellus,
और रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल अपन ने आगे पढ़ा था मिराबिलस में, न्यूसेलस सरवाइव करता है और वो पेरिस्पर्म की तरह प्रेजेंट करता है। न्यूसेलस के बाद जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना था इट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। देन थ्री एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट डेवलप्स टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म। इससे न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सिनर्जेंट एंड एंटीपोडल्स, दे डीजेनरेट्स कंप्लीटली। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सर्वाइव नहीं करते, ये नॉर्मली कंप्लीट डीजेनरेशन शो करते हैं। तो ये फेथ है फ्लावर का, फ्लोरल पार्ट का, आफ्टर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां तक अपन ने पढ़ा किस तरह से नॉर्मली फर्टिलाइजेशन आकर करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लोरल होल्स का फेथ क्या है, व्हाट हैपेंस टू द फ्लोरल होल। दो एक्सेप्शन कंडीशन या कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला टर्म पोली स्पर्मी। पोली मतलब मेनी, स्पर्मी टर्म इज स्पर्म और मेल गैमेट। नॉर्मली एक एम्ब्रियो सैक में एक पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट एंटर होते हैं। एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है एग सेल को जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन, दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई को जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स मोर देन टू मेल गैमेट्स एंटर्स एन एम्ब्रियो सैक। अगर एक से ज्यादा मेल गैमेट एंटर हो रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, या तो एग सेल में एक से ज्यादा मेल गैमेट एंटर करके फर्टिलाइज करें जिससे पॉलीप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो, या फिर सिनर्जिड या एंटीपोडल के सेल्स भी फर्टिलाइज हो जाएं। दिस एबनॉर्मल कंडीशन इज नोन एज पॉलीस्पर्मी। सो पॉलीस्पर्मी इज समटाइम्स मोर देन टू मेल गैमेट्स एंटर्स वन एम्ब्रियो सैक। समटाइम्स मोर देन टू मेल गैमेट एंटर्स वन एम्ब्रियो सैक, दिस इज नोन एज पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी की वजह से क्या होगा, एग सेल मे बी फर्टिलाइज्ड बाय मोर देन वन गैमेट प्रोड्यूसिंग पॉलीप्लॉइड जाइगोट और पॉलीप्लॉइड एम्ब्रियो। पहली कंडीशन, अगर दो से ज्यादा मेल गैमेट एंटर हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी एग सेल में दो या दो से ज्यादा मेल गैमेट एंटर हो जाए जिससे एग सेल में पॉलीप्लॉइड जाइगोट जो बने वो पॉलीप्लॉइड नेचर का हो जिससे पॉलीप्लॉइड एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो। सेकेंड कंडीशन होती है एंटीपोडल्स और सिनर्जिड मे बी फर्टिलाइज्ड
फॉर्मिंग सिनर्जिड और एंटीपोडल में बी फर्टिलाइज्ड फॉर्मिंग एडिशनल एम्ब्रियो. ये जो एडिशनल एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, दिस एडिशनल एम्ब्रियो इज नोन लीड्स टू अ कंडीशन दैट इज नोन एज पोली एम्ब्रियोनी. तो पोली एम्ब्रियोनी का प्रोडक्शन इस तरह से भी होता है जब एक एडिशनल एम्ब्रियो सिनर्जिड या एंटीपोडल से फॉर्म हो. तो एक कंडीशन होती है पोलीस्पर्मी, दूसरी कंडीशन हेट्रोफर्टिलाइजेशन. हेट्रोफर्टिलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मली एक एग सेल में एक पोलन ट्यूब एंटर करता है, एक पोलन ट्यूब का फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और सेकेंड मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा. इन केस ऑफ हेट्रोफर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, टू और मोर पोलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड वन ओव्यूल. एग सेल इज फर्टिलाइज्ड बाय मेल गैमेट फ्रॉम वन पोलन ट्यूब. एग सेल इज फर्टिलाइज्ड बाय मेल गैमेट फ्रॉम वन पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस is fertilized by male gamete from another pollen tube. हेट्रोफर्टिलाइजेशन में दो पोलन ट्यूब एक एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रहे हैं, एक पोलन ट्यूब का मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और दूसरे पोलन ट्यूब का मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा. यानी दो जेनेटिकली डिफरेंट मेल गैमेट्स, वन फर्टिलाइजिंग एग सेल एंड अदर फर्टिलाइजिंग सेकेंडरी न्यूक्लियस. दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय टू और मोर पोलन ट्यूब coming from different pollen grains is known as heterofertilization. So, पूरे fertilization के process में fertilization कैसे हुआ, fertilization के बाद floral hole, floral appendages का क्या हुआ, special term that is special condition जो occur करती है heterofertilization and polyspermy. अब fertilization से दो चीजें बनती हैं. पहली चीज जो बहुत important है seed के अंदर वो है embryo. एम्ब्रियो फॉर्मेशन को पढ़ेंगे अपन एम्ब्रियोजेनी में. और एक स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज एंडोस्पर्म. इसके बाद एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, कितने टाइप्स है एंडोस्पर्म के, विल बी स्टडिंग दैट. नेक्स्ट हेडिंग एंडोस्पर्म. Endosperm is nutritive tissue. ये nutritive tissue है जो fertilization के बाद develop हो रहा है. Function is to provide nutrition to developing embryo. So it is nutritive tissue which provides nutrition to developing embryo. Angiosperms में endosperm triploid है and it is post fertilization product.
सो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉयड एंड इट इज कंसिडर्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, वेर एज इन जिम्नोस्पर्म्स इट इज हेप्लॉयड एंड प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट. यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में जो याद रखना है. एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है जो ट्रिपल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म हेप्लॉयड है और वो फर्टिलाइजेशन से पहले मेगास्पोर से इसका फॉर्मेशन होता है. एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एंजियोस डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये कैसे बनता है? एंजियोस्पर्म्स में ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड सेकेंड मेल गैमेट. वेर इन जिम्नोस्पर्म इट इज हेप्लॉयड प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट विच डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर. अब एंडोस्पर्म्स के टाइप होते हैं. नेक्स्ट क्लास अपन एंडोस्पर्म के टाइप पढ़ेंगे. एंडोस्पर्म बेसिकली आई थिंक यहां तक समझ में आ गया है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोस एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म कितने तरह के, उनका डेवलपमेंट किस तरह से, और बहुत सारे स्पेशल टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जो एंडोस्पर्म्स के साथ अटैच्ड है. तो ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे.